वंडरफुल 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 जबरदस्त थैंक यू सो मच थैंक यू सो बहुत ज़बरदस्त नाजिन आज मेरे साथ स्क्रा चौहान मौजूद हैं इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड हैं ट्रीनर हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम करते हैं आज हम उनसे कुछ सुनेंगे भी और उनकी लाइफ के बारे में भी जानेंगे सो उसका थैंक यू सो मच और सबसे पहले तो मुझे हम आपसे सुनेंगे ज़रूर और अपने व्यूवर्स के लिए लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताएं म्यूज़िक का शौक कैसे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर सर सो आई एम वेरी क्लेर टू हेयर एंड अपने बारे में बताना चाहूँगा एज ए म्यूज़िक जर्नी जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुई है सही। और बाकी uh, जिम और ये जो म्यूज़िक hmm. है ये मेरा पैशन रहा है बचपन से ही और oh. इसके अलावा मैंने जी सी यूनिवर्सिटी से एम कॉम भी किया है जबरदस्त और बहुत सारे काम है जो मैं करता हूँ लेकिन पैशन है जो मेरा ये सिंगिंग और बॉडी बिल्डिंग है बिल्डिंग, और ये मेरे लिए एक टास्क भी था कि आप साथ में बॉडी बिल्डिंग भी करनी है और आपने सिंगिंग भी करनी है बिकॉज इट्स बहुत डिफिकल्ट एंड डिफरेंट थिंग बिल्कुल लाइक जगह अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आप गा नहीं सकते तो इट्स अ वेरी रेयर के आपके पास कोई बॉडी बिल्डर भी हो और वो सिंगिंग भी करें तो ये मेरे लिए चैलेंज था बट गॉड ने मेरी हेल्प की और मैं थैंकफुल हूँ गॉड का कि मैं ये कर पा रहा हूँ और सिर्फ सिर्फ गॉड की वजह से अच्छा मुझे ये बताएं तो कभी जैसे आप ट्रेन कर रहे होते हैं जिम में अपने स्टूडेंट्स को तो कभी वो फरमाइश करते हैं कि सर थोड़ा गुनगुना के ये बिल्कुल अभी रिसेंटली उन्होंने मेरी बर्थडे की है जिम में और स्पेशली उन्होंने साउंड लगवाया और वहाँ पे मेरी मतलब सॉन्ग सुने मुझसे तो बड़ा खुश हुए वो एंड बहुत प्यार बहुत प्यार करते हैं मुझसे वो तो ऐसे चल रहा है सब सही कितनी खुशी महसूस होती है जब आप परफॉर्म करते हैं लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं देखिए सर एक आर्टिस्ट के लिए ना जो अप्रिसिएशन होती है ना वो उसका सबसे बड़ा खजाना होता है जबरदस्त मैं समझता हूँ कि अगर आप बहुत सारे पैसे भी ले लेते हो एक शो से बट आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो वो फार ही सही आप तो, यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे बहुत सारे यंगस्टर्स देख रहे हैं आपको और वो ये भी है कि वो जैसे आपने बताया बड़ा डिफरेंट बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं खासतौर पर बॉडी बिल्डिंग जिससे yes, हम जानते हैं कि यंगस्टर्स हमारे बहुत सारे यूथ जो है वो नशे की तरफ जाती है और उस तरफ और बॉडी बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग एक ऐसा पैशन है जिसको वो अपनी अपनी सेल्फ को अपना बेहतर बनाते हैं और साथ साथ जो है वो एक पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ होते हैं और उसके साथ म्यूज़िक एक बहुत ज़बरदस्त बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है ये तो आपने मैनेज किया आपका नाम मुझे बहुत पसंद है बड़ा खूबसूरत लगा ये किसने रखा था ये एक्चुअली ये भी बचपन से ही है मेरे दो नाम रखे गए थे एक, एक जो मेरा जैनवन नेम है जो चल रहा है डॉक्यूमेंट्स पे तारिक एंड सेकंड जो था वो आकाश रखना रखा था मैंने तो फिर बाय प्रोफेशन जो है वो आकाश को मैंने कन्वर्ट कर लिया स्काई चौहान में तो बाय प्रोफेशन मुझे जो लोग हैं वो स्काई के नेम से ही जानते हैं तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स पे मेरा नाम वो तारिक चल रहा है तारिक चल रहा है अच्छा आज क्या हमें सुना रहे हैं आज एक सॉन्ग है जो जोबिन नोटियाल ने गाया है और मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है I would like to share with you guys. अच्छे तरीके से गाया और हमें टाइम दिया कोई मैसेज आप देना चाहेंगे यंगस्टर्स के लिए कि किस तरह की एक्टिविटीज़ में जैसे आपने बताया इन्वॉल्व करें अपने आप को ताकि वो अपनी जो स्किल्स हैं उनका बेहतर तौर पर इजहार कर सकें और अपने ख़ानदान का अपने कम्युनिटी का और अपने कंट्री का नाम जो है वो रोशन कर सकें मैसेज यही है कि सबसे पहले जो एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है और सेकंड थिंग कि आप इस तरह के गोल चूज़ करें जिससे आपके जो है वो फिज़िक और आपकी जो मतलब लाइफ है फ्यूचर लाइफ ना डिस्टर्ब हो लाइक like अगर मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो आई नेवर टेक स्टीराइड्स मैंने कभी स्टीराइड यूज़ नहीं किया मैं जेनवन करता हूँ ठीक है और जो सिंगर हैं उनके लिए ये है कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग भी साथ में करना चाहते हो तो लाइट वेट में करो बिकॉज आपकी ये नर्व्ज अगर भारी हो जाएंगी तो आप सिंगिंग नहीं कर सकोगे तो ये मैसेज है और बाकी खुश रहिए अपने मॉम डैड को खुश रखिए और ये जो इंटॉक्सिकेटेड पीपल हैं उनसे दूर हैं बस सो थैंक्स टू गॉड इन एवरी टाइम थैंक यू थैंक यू वंस अगेन और नजरिन जैसे आप जानते हैं मैं इस तरह के यंगस्टर्स को आपके साथ मिलवाता हूँ इसका मकसद होता है कि सबसे पहले तो हम ऐसे लोगों को इनकर्ज करें ऐसे यंगस्टर्स को जिनको पास जो टैलेंट है उसको इनकर्ज करें और इससे बढ़कर उन लोगों को मोटिवेशन देना इंस्पायरे इंस्परेशन देना जो माशरे में कुछ करना चाहते हैं कुछ बढ़ना चाहते हैं आगे करना चाहते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें ज़िंदगी को एक नए जाविए से देखने की आ, कोशिश करते हैं एक नए जाविए से देखने की हमें तरजीह देते हैं नए जाविये से देखने की हमें आ, जो है वो तलकिन करते हैं और मास्टर टी वी का यही मकसद है देखें नई नज़र से